पर बनी फिल्में देखना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जिस कारण बॉलीवुड में आज काफी ऐसी फिल्में बन रही है जो एक्शन पर बेस है। अब 2019 में भी एक्शन पर बेस काफी फिल्में रिलीज होने वाली है, जिनके बारे में आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नंबर वन, सबसे पहले बात करें विद्युत जामवाल की आने वाली एक्शन फिल्म जंगली के बारे में तो इनकी इस फिल्म का निर्देशक चौक रसोल कर रहे हैं। इस फिल्म में विद्युत जामवाल के साथ अतुल कुलकर्णी, मकरंद देशपांडे मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में विद्युत जामवाल अंतर्राष्ट्रीय शिकारी रैकेट से भिड़ते हुए नजर आएंगे, जिसमें इसके जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो ये फिल्म 5 अप्रैल 2019 को रिलीज होगी। नंबर टू, अब बात करें दूसरी एक्शन फिल्म अक्षय कुमार की सूर्यवंशी के बारे में तो ये फिल्म दिसंबर माह में रिलीज होगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक पुलिस ऑफिसर के रूप में नजर आएंगे। अक्षय कुमार के इस फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी कर रहे हैं, जबकि इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ करीना कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएगी। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन और रणवीर सिंह के भी कैमियो रोल देखने को मिलेंगे। अक्षय कुमार की ये फिल्म कोप आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। नंबर थ्री, बात करें अगर तीसरी फिल्म रोमियो अकबर वाल्टर की तो इस फिल्म का निर्देशन रूबी ग्रवाल कर रही है और ये फिल्म 12 अप्रैल 2019 को रिलीज होगी। इस फिल्म में जॉन अब्राहम, मोनी रॉय, जैकी श्रॉफ और सुचित्रा कृष्णमूर्ति मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है। इस फिल्म में जॉन अब्राहम एक स्पाई के रूप में नजर आएंगे। जॉन अब्राहम की ये फिल्म एक एक्शन पर बनी थ्रिलर फिल्म होगी। इस फिल्म में जॉन अब्राहम अलग अलग तीन रोलों में जासूसी करते हुए नजर आएंगे। नंबर फोर, बात करें चौथी एक्शन फिल्म के बारे में तो ये होगी साउथ सुपरस्टार प्रभास की मूवी साहो। इस फिल्म में प्रभास साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में श्रद्धा कपूर नजर आने वाली है और प्रभास के साथ साथ हमें श्रद्धा कपूर के भी इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। इस फिल्म की शूटिंग जून 2017 में शुरू की गई थी। भारत के बाहर इस फिल्म को अबू धाबी, दुबई, रोमानिया और यूरोप में शूट किया गया है। इस फिल्म में प्रभास के जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलेंगे और इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि ये फिल्म लगभग 300 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई है। बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में तो ये फिल्म भी 15 अगस्त 2019 को ही रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्देशन सुजीत कर रहे हैं, जबकि इस फिल्म के एक्शन सीन को डायरेक्ट करने के लिए हॉलीवुड से स्पेशल एक्शन डायरेक्टर लिए गए हैं। इस फिल्म में नील नितिन मुकेश एक विलेन के रूप में नजर आएंगे। नंबर फाइव, अब बात करें यशराज बैनर तले बनने वाली जबरदस्त एक्शन फिल्म ऋतिक वर्सेस टाइगर के बारे में तो ये फिल्म भी 2019 में ही रिलीज होगी। इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि ये फिल्म 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज होगी। इस फिल्म में हमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। इस फिल्म के पहले शेड्यूल को शूट कर लिया गया है। इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, जबकि इस फिल्म में ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। तो ये 5 वो फिल्में थी जो 2019 में एक्शन पर बेस्ड फिल्म होंगी। आपको इन फिल्मों के बारे में क्या कहना है और आप इन फिल्मों को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और इस घंटे का आइकन को दबाकर सबसे पहले नोटिफिकेशन पाएं।